हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस की तरफ से बीएससी की सेकंड कट ऑफ जारी कर दी जा चुकी है। जी हाँ, सीयूटी यूजी के कोर्स बीएससी की आपकी सेकंड कट ऑफ जारी कर दी जा चुकी है। आपको बता दें कितने से कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करानी है, कब करानी है, कैसे करानी है, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो अपडेट मिलने वाली है आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। और ये सारी कट ऑफ नोटिस मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम से देख लीजिए। आपको बता दें बीएससी की जो सेकंड कट ऑफ जारी हुई है, पहली कट ऑफ जैसा कि आप सभी को पहले पता है, पहली कट ऑफ आपकी 518 गई थी, है ना, बीएससी मैथ की। ये बीएससी मैथ की जारी हुई है सेकंड कट ऑफ। आपको बता दें बीएससी मैथ की जो सेकंड कट ऑफ आई है वो गई है 459 एंड अबव। जिन भी स्टूडेंट्स के 459 या 459 से अधिक मार्क्स है, ये यूआर कट ऑफ है। आपको बता दूं जिन भी स्टूडेंट्स के 459 या 459 से अधिक मार्क्स है बीएससी मैथ में, उनको 5 से 6 तारीख के बीच में अपनी काउंसलिंग करानी है। 5 से 6 तारीख के बीच में समर्थ पोर्टल पर जाके ऑनलाइन, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा सीट अलॉट हो गई है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको फीस पेमेंट कर देनी है, आपकी सीट आपको लॉक हो जाएगी। 5 से 6 तारीख के बीच में काउंसलिंग करानी है जिन भी स्टूडेंट्स के 459 या 459 से अधिक मार्क्स है बीएससी मैथ में। ये यूआर की कट ऑफ है, ठीक है। यूआर में सभी कैटेगरी के स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स के कट ऑफ में मार्क्स है वो अपनी काउंसलिंग कराना सुनिश्चित कराएं। धन्यवाद।